किया है ना, आप उसे एहसान का नाम मत दीजिए। अगर हो सके तो आप मेरे लिए दुआ मांग लेना कि मैंने जिसका दिल दुखाया है ना, वो मुझे माफ कर दे। और एक बात और, जैसे चाचा जी को आप मिली हो ना इतना प्यार करने वाली, वैसे ही मुझे भी वो मिल जाए जो मुझसे इतना ही प्यार करे। अरे मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। सोचो ना, वो लड़की कितनी खुशनसीब होगी जिसे तुम जैसा लड़का मिलेगा। हाँ सारा प्यार ना आपस में ही लुटा दो। इसे मैंने तो कोई मदद ही नहीं करी। इधर आ तू। तेरी ये माँ हमेशा तुझे कहा करती है ना चुप रहे, लेकिन आज कहती हूँ मुंह खोल। चल मुंह खोल जल्दी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। पता है अब मैं पूजा की शादी की हर रस्म ना खुशी खुशी करूंगी। अब पूजा की शादी मेरे लिए करवी यादें नहीं, एक मीठी यादें बनकर रहेंगी। नैना तू भी आ बेटा, आ जल्दी। समीर से नाराजगी जैसे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। मुझे लगता था कि जिसे मैं चमकती हुई बर्फ समझ रही हूँ, कहीं वो गहरी खाई निकली तो उसके प्यार की सच्चाई हर कदम हर पल मेरी सांसों पर मेरी नाराजगी पर बोझ बनती जा रही थी। वो बार बार प्यार का नजराना चढ़ा रहा था जो मेरे लिए अमृत भी हो सकता था या जहर भी। मान गए जीजा जी, छा गए मतलब। आपके आगे ना सलमान भी फेल है। अब क्या करें साली जी, हम तो ऐसे ही हैं। एक बार जो ठान ली सो ठान ली। अब अगर दिल जोड़ने की बात की है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और देख लेना, इस गुस्से को अगर मैंने प्यार में नहीं बदल दिया ना तो मेरा नाम समीर नहीं, और समीर की आशिकी सच्ची आशिकी नहीं। चांद को रोक लूं मैं, चांद गुस्ताखिया जो करे वक्त को थाम लूं मैं। रात का ये समा अब्र का कारवा, संग इनके बने अपनी ये दास्तां। बदमाशिया हल्के करे परछाइयों से मेरे मेरा महबूब, मेरे होठों की लर्जिश है मेरा महबूब, और मीठी सी खलिश है मेरा महबूब। सरगोशियां चुपके करे
तक सीधे दिल पे मेरा महबूब, मेरे ख्वाबों की तपिश है मेरा महबूब, मेरी अनजानी ख्वाहिश है मेरा महबूब। ये साड़ी का रंग कितना सुंदर है ना, ये भी रखनी है, लाओ दो। अब तो जगह ही नहीं बची। पूजा ये दो नाइटी रख लेना। हाय पूजा दीदी नाइटी पहनेंगी, मैं तो सोच भी रही हूँ पूजा दीदी नाइटी में कैसी लगेंगी। बहुत अच्छी लगूंगी। हाँ आखिर बहन किसकी हो, तुम दोनों की। वैसे चाची जी अटैची तो पूरी भर गई है, फिर ये दो नाइटी और। हाँ ससुराल जा रही है या इतना सारा सामान लेकर नई दुकान खोलने जा रही है। चुप करो, भगवान झूठ ना बोले, तुम दोनों अभी नहीं समझोगे। हाँ पूजा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही, नए संसार में प्रवेश करेगी, नए लोग नए रिश्ते। अब वहां जाकर क्या तुरंत अपनी जरूरत के सामान मांगेगी किसी से? नहीं ना, इसलिए हर माँ अपनी बेटी को उसकी जरूरत के सामान देकर विदा करती है ताकि उसे वहां जाकर कोई परेशानी ना हो। हाय शादी में इतना सारा सामान मिलता है, इतने सारे अच्छे कपड़े मिलते हैं। मम्मी मेरी शादी भी ना जल्दी करा दो। हे भगवान, वैसे भी तुम दोनों के लिए तो एक दो साल में मुझे लड़का देखना ही है। सिर्फ मेरे लिए देखना पड़ेगा, इसने अपने लिए तो पहले से ही देख रखा है। क्या देख रखा है पहले से? वो मतलब कि नैना नैना जब मैंने प्यार किया देखी थी हा? तो तब से वो यही कह रही है कि ना उसे सिर्फ सलमान खान से शादी करनी है। हे भगवान बेटा तू भी ना। लेकिन पता नहीं मेरे सलमान की दुल्हन कौन बनेगी। देश और दुनिया वक्त के साथ कितनी बदल गई, जो तब के सवाल थे अब साइंस के पास उनमें से लगभग सारे सवालों के जवाब हैं। पर ये एक सवाल है जो अब तक वैसा का वैसे ही है, यानी कौन बनेगी सलमान की दुल्हन। तो ये सब रख ले, रसोई में बहुत काम है, आती हूँ। नैना एक चीज दिखाऊं? ये देखो तुम्हारे जीजा जी की फोटो। अरे मैं देखूंगी। मैं एक मिनट, कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। तुम्हें पता है हम लोग ना हनीमून पे भी जा रहे हैं। हनीमून? हाँ और पता है कहाँ? शिमला। शिमला? पता है तुम दोनों के जीजा जी ना बहुत अच्छे हैं, मैंने ना उनसे कहा है कि मैं हनीमून पे जीन्स पहनूंगी। और वाह पूजा दीदी शिमला में तो आपको बड़ा मजा आएगा, जीजा जी तो इनको बहुत मजे करवाएंगे। सुनो मैं तुम्हें जीन्स दिखाऊं? हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। वैसे मेरी प्यारी बहना मजे तो तुझे भी जीजा जी कराएंगे, और तुम्हारा हनीमून शिमला में नहीं स्विट्जरलैंड में होगा। इतने प्यारे जीजा जी से कोई कैसे रूठ सकता है, थप्पड़ खाएगी। यार तूने आज जो सिक्सर मारा है ना, मैं सच कह रहा हूँ नैना यूं मान जाएगी। हाँ यार पर अब तक उसने कहा नहीं है। अरे कहा नहीं है तो कह देगी, तुझे माफ किया ये भी और आई लव यू ये भी। हाँ यार वैसे भी इतना सब कुछ तो कर रहा है उसके लिए, और का चांद तारे तोड़ के ला देगा। अगर नैना ऐसा कहेगी ना तो तेरा ये भाई उसके लिए चांद तारे भी तोड़ लाएगा। यार मैं यहाँ आया था तब नैना की माफी लेने के लिए, वो मुझे अब तक नहीं मिली, लेकिन बदले में मुझे बहुत अनमोल चीजें मिली हैं, जैसे प्यारा परिवार, प्यारे लोग, प्यारा माहौल, जो अब तक सिर्फ फिल्मों में देखा था मैंने। सही कह रहा है तू, फिल्मों में एक तो ललिता पवार को देखा और दूसरा सफारी सूट को देखा। भाई एक बात कहूंगा, शादी की सारी रिहर्सल्स इस शादी में हुई है, इसलिए तुझे पहले बोलूं अपनी शादी में ना
भूल कर भी उस सफारी सूट लाइब्रेरियन को मत बुलाना। हाँ क्या यार पंडित, अगर राकेश सर नहीं आएंगे तो कन्यादान कौन करेगा? सही बात भाई, तेरा बैंड भी वही बजाएगा। तू ना मेरी मान, तू नैना को ना भगा के शादी कर ले। हाँ। नहीं यारो, अब इस समीर ने डिसाइड कर लिया है कि मेरी दुल्हन सिर्फ नैना बनेगी, और वो भी धूमधाम से। ऐसे होगी मेरी और नैना की शादी। आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा, जब हम याद से छाता लेकर घर से निकलते हैं तब बारिश ही नहीं होती, और जिस दिन हम घर पर ही छाता भूल जाते हैं बाहर कदम रखते ही बारिश शुरू हो जाती है। यही चीज मेरे और समीर के साथ हो रही थी। जब मैं शिद्दत से उससे दूर हो रही थी तब उसे फाइनली मुझसे शादी वाला प्यार हो रहा था, और उस जमाने के हर आशिक की तरह समीर भी प्यार से सीधे शादी के सपने देखने लगा। जल्दी करो, मेहंदी के लिए नीचे पंडाल में जाना है। भैया दो मिनट, भैया शर्ट इस्त्री करके देना जल्दी। भाई साहब मैं पहले से खड़ा हूँ, पहले मेरा कुर्ता प्रेस होगा। भाई साहब अब तो झगड़ा छोड़ दो भाई साहब, दो मिनट, सिर्फ दो मिनट की बात, जल्दी भैया। अरे ऐसे थोड़े ना होता है जी। अरे नैना बेटा मुझे एक पिन देना, देखना साड़ी का पल्लू लगाना है। हाँ मैं लाती, बेटा मेरे को भी देना। हाँ 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 मैं भी लाती। अरे सुन बेला। हाँ सुन सुन बेला, मुझे थोड़ा मुल्तानी मिट्टी देना, चेहरे पे लगाना, देखना चेहरा कैसा हो रहा है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं अभी लाती हूँ। हाँ हाँ आपके लिए भी लाती। हाँ हाँ ला दे ला दे। हाँ आनंद भाई साहब वो नारियल का तेल चाहिए था। हाँ भिजवाता हूँ मैं अभी। हाँ भिजवा दीजिए। उफ, मेहमानों की फरमाइशें और घर वालों की भाग दौड़, शादी के घर में ये दो चीजें कभी खत्म नहीं होती। आप चाहे अपने घर में कितनी भी किफायती चीजों का इस्तेमाल करें, पर किसी और के घर जाते ही सबका हाथ खुल जाता है, भर भर के सामान इस्तेमाल में आने लगता है। चाहे मेहमान आपके घर के हों या आप किसी के घर के मेहमान हों, ये तो हर मेहमान का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। अक्षरों और ना जो आसानी से दिखाई भी ना दे। ओहो लगता है पूजा ना अपने पति को शादी के बाद सिर्फ नाम ढूंढने के काम में लगाने वाली है ना। अरे वो शादी के बाद पूजा का सुंदर मुखड़ा देखेगा या फिर मेहंदी में अपना नाम ढूंढेगा। दीदी सुनो, मुझे ना पूरे हाथ में पूरे पांव में मेहंदी लगानी है। हाँ और ऐसी मेहंदी लगाना जो पूरे सवा महीने तक बिल्कुल भी ना उतरे। पूजा दीदी भी ना। नैना झुमके तो बहुत अच्छे हैं। शेफाली ने दिए मेहंदी संगीत दोनों के लिए। बेला हाँ प्रीति कहाँ है? अब भगवान झूठ ना बुलाए बुआ जी, प्रीति का भी ना आज अलग ही नाटक है। खुद को कमरे में बंद कर लिया उसने, कहती है मेहंदी की खुशबू उसको नहीं सुहाती। हाँ देखिए ना यहाँ पे नैना अकेले मेहंदी लगा रही है और मैं भी किस किस को मेहंदी लगाऊं? अरे मुला उसे। प्रीति नाक में कपड़ा बांध के नीचे आ जा। अरे माँ की मदद तो कर दे। ये लड़की भी ना कब सुनती है मेरी, आ जाएगी बुआ जी बात में। हाँ आएंगे ना। नहीं
ना ना। चलो कम से कम आज तो तू टाइम पर आई। अब चल मेरी मदद कर, प्रीति को तो तू जानती है ना, मेहंदी देखते ही दो कोस दूर भाग जाती है। 90s की शादी की यही तो खास बात थी, दो मिनट पहले जो औरतें बिंदी के लिए झगड़ रही होती थी, वही दो मिनट बाद एक दूसरे को मेहंदी लगा रही होती थी। उन दिनों मेहंदी लगाने वाली पैसे देकर सिर्फ दुल्हन के लिए बुलाई जाती थी, बाकी सब आपस में एक दूसरे के हाथों पे अपनी चित्रकारी दिखाकर खुश हो जाती थी। तब शादियां साझेदारी के रंग से रंगी जाती थी, पैसों के हरे रंग से नहीं। कैसे लगाऊंगी एक साथ, तुम एक काम करो ना, तुम किसी और से लगवा लो। नहीं नहीं, आप सबसे अच्छी मेहंदी लगाती हो, मैं आपसे ही मेहंदी लगवाऊंगी। लेकिन मेरी होने के बाद पहले मैं लगाऊंगी फिर तुम लगाना, ठीक है? और वो तुम मोर वाला डिजाइन निकालना ना, और मुझे ना सरसों के फूलों वाला। ठीक है। बेला, अरे कहां मर गई जाके? अरे आ गई। ओ भाई, यहां सच के बैठी है। अरे तुम बैठी रहो, तुमको किसने बोला? बेला हाँ, जल्दी से मेरे को मेहंदी लगा दे, बहुत सारे काम पड़े। अब भाभी जी, पहले इन्हें लगा दूँ फिर? ओ भाई, कितने सारे काम है मेरे सर के ऊपर, और जुठानी मैं हूँ कि वो कमला है। बेला जी, सबको पहले मेहंदी लगाने के बाद इसको मेहंदी लगा। अभी अभी इसने कहा ना कि बहुत सारे काम है इसके सर पे, तो मेहंदी लगाएगी तो काम कौन करेगा? हाँ जी 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 बुआ जी। ओ भाई, ये तो यहाँ भी सबके सामने मेरी खटिया खड़ी करने पे तुली है। अब मुझे पता चला कि तू इतना मेहंदी लगाने के लिए तिलमिलारी क्यों है? ताकि तुझे काम नहीं करना पड़े, काम चोर कहीं की। बहन जी, एक मिनट एक मिनट। नाना यार, तेरे बाल ना बहुत ही चंपू लग रहे हैं, खोलना। अरे आज स्माइल प्लीज। हाय हाय, चलना चलते, चलना मैं जा रही हूँ, जल्दी आ जा। नहीं जल्दी आ जा, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बात है जीजा जी, आज तो आपने सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया। अरे अपना यार ससुराल आया, मजाक की बात है क्या? लेकिन हमारे हीरो की हीरोइन समझ ही नहीं रही है। अरे जिसे वो बेफसाम समझती है वो तो दिल का राजा है राजा। मैंने प्यार किया का प्रेम, आज की का राहुल है राहुल। अरे मेरी दोस्त भी दिल की मधु, मैंने प्यार किया की सुमन और आशिकी की अनु है, समझ जाएगी। बहुत गर्मी हो रही है भाई, कोई टेबल फैन ही लगा दो। हाँ लगाओ लगाओ। मैं अभी चाचा जी को बोलती हूँ। फैन लाने चलना। वैसे खुले बालों में तुम काफी अच्छी लग रही हो। तमन्ना बन गए हो, इबादत बन गए हो, सांसों की हमारी तुम जरूरत बन गए हो। तमन्ना बन गए हो, इबादत। चल फैन लेने। अरे आ गया, आ गया, फैन आ गया भाभी।
स्वाति हाँ? प्लीज इनके मेहंदी लगा देना, मैं हाँ? मेघा की लगा दे। महबूब मेरा मेरे ख्वाबों की तपिश है मेरा महबूब, मेरी अनजानी ख्वाहिश है मेरा महबूब। सरगोशिया चुपके करे दस्तक से दे दिल पे मेरा महबूब, मेरे ख्वाबों की तपिश है मेरा महबूब। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.